आपने जो बातें कही, आपके पिताजी ने जो बातें कही, उसी के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनकी मनोवृत्ति क्या है। लालू प्रसाद यादव जी का जो कार्यकाल रहा है उस हिसाब से उन्होंने अपनी बात को रखा कि वो गोली ही मरवा सकते हैं, वो उस तरह के ही इंसान है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि सही में मुख्यमंत्री जी को खतरा है तो दूसरा पक्ष ये है कि आप मान के चल रहे हैं कि आपके पिताजी गोली मरवा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम निखिल, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। दो सीटों पर उपचुनाव है जिसको लेकर के बिहार में लगातार सियासत जारी है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने अधिकारियों पर आरोप लगाया और कहा है कि अधिकारी जो हैं वो जदयू के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं निखिल मंडल जी, जदयू के प्रवक्ता, इनसे बात करेंगे। तेजस्वी यादव का साफ तौर पर आरोप है दिलीप कुमार झा पर, उनका कहना है कि जदयू के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और उनको 25 पोल वोटिंग का दिया गया उनके अंडर में। देखिए, जो भी आरोप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष जाकर के साक्ष्य और सबूत के साथ वहां पे रखें। इसमें कहीं भी बिहार सरकार जब चुनाव घोषित हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में तमाम चीजें चली जाती है, उसके बाद सरकार का कोई रोल नहीं होता है। तो निश्चित रूप से अगर ऐसी कोई परेशानी है या ऐसी सबूत है, साक्ष्य है, तो जाकर के बातों को वहां रखना चाहिए। और ये मीडिया में आके माहौल बनाने से तो कुछ होगा नहीं। अगर है कुछ तो जाइए, सामने जाके रखिए, कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि पिछले विधानसभा चुनाव में भी चोर दरवाजे से सरकार बनाए और अभी भी कहीं ना कहीं वही काम करने को जा रही है। देखिए, जनता जब हमें वोट करती है ना तो ये लोग चोर कह देते हैं। दिक्कत इनके साथ यही है, जब ये खुद चुनाव जीत जाते हैं तो ये कहेंगे हमने चुनाव जीत लिया, और जब हार जाते हैं तो ये कहते हैं कि ईवीएम ने चुनाव हरा दिया। दोनों पक्ष एक साथ नहीं हो सकता है, तो वही स्थिति है। और इस तरह के अनर्गल बयान लगातार वो देते रहते हैं। अब क्या है कि कल चुनाव प्रचार खत्म हो गया तो भाई कवरेज कैसे मिलेगा, तो बैठ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, अनाप शनाप देते रह गए। अरे भाई, हम जब कहते हैं कि आपको ABCD नहीं आता है तो क्या गलत कहते हैं क्या? अगर आपको ABCD आता भी है तो आप A फॉर बॉल, B फॉर कैट, C फॉर डॉग और D फॉर एलिफेंट, इस तरह के आप ABCD आपने सीखा है, तो सब कुछ उल्टा ही उल्टा है आपके दिल में, तो क्या कहिएगा? सामने वाले को भी उल्टा ही बोलिएगा। उनका भी कहना है कि आप लोगों को भी ABCD का कुछ नहीं आता, आज ही कहा है उन्होंने। हमारे मुख्यमंत्री जी इंजीनियर, मैं यहाँ MMM है और वो सामने 9वीं पास, वो भी पास है कि नहीं पता नहीं, तो ABCD किसको नहीं आ सकता है यह जनता खुद समझ सकती है। अच्छा, एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार कहते हैं कि हमें गोली मरवा सकते हैं तो कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि उनके अंदर में गृह मंत्रालय है तो फेलियर उनका दिखाता है। अरे, गृह मंत्रालय है, आपने जो बातें कही, आपके पिताजी ने जो बातें कही, उसी के संदर्भ में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनकी मनोवृत्ति क्या है। लालू प्रसाद यादव जी का जो कार्यकाल रहा है उस हिसाब से उन्होंने अपनी बात को रखा कि वो गोली ही मरवा सकते हैं, वो उस तरह के ही इंसान है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि सही में मुख्यमंत्री जी को खतरा है तो दूसरा पक्ष ये है कि आप मान के चल रहे हैं कि आपके पिताजी गोली मरवा सकते हैं, तो सीधी सी बात है। बाकी कानून का राज अगर स्थापित हुआ है बिहार में तो 2005 के बाद हुआ है, और इस तरह के बात वो करते रहें, बिलो द बेल्ट बात करते रहें, लालू जी करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 तारीख को जनता तमाम इस तरह के बातों का जवाब दे देगी। तो बिल्कुल साफ तौर पर इनका कहना है कि जो भी आरोप लगाए हैं उसका 2 तारीख को जनता जवाब देगी। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ, देखते रहिए। धन्यवाद।